जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नीतीश बाबू ने अरुणाचल वेस्ट से रूही टांगुंग को जेडीयू का उम्मीदवार घोषित किया है। रूही टांगुंग अरुणाचल प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जेडीयू अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि वहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। वहीं ललन सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए हमने वहां से रूही टांगुंग को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसमें कोई नया न्यूज क्या है? अरुणाचल में हमारा संगठन मजबूत है और अरुणाचल में हम लोगों ने कैंडिडेट दिया, जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ रूही जी, उनको कैंडिडेट बनाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में जब सब कुछ बातें होने लगी थी, अब ये तो आप तय करिएगा, हमको मालूम है ना कि हमको वहाँ क्या करना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल वेस्ट से बीजेपी कैंडिडेट किरण रिजिजू जीते थे। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। रिजिजू वाली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 14% वोट मिला था। कायदे से इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी, लेकिन जेडीयू ने अरुणाचल वेस्ट से रूही टांगुंग को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को सीधी चुनौती दे डाली है। जेडीयू ने संदेश दे दिया है कि अब अगर सीट बंटवारे में देरी हुई तो वो अपनी रणनीति के मुताबिक फैसला लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।